स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला चल रहा है राखी सावंत को लेकर। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या राखी सावंत जेल जा पाएगी। ऐसी खबरें आ रही है कि मैटर सॉल्व हो सकता है। मैटर आप राखी आपसे कांटेक्ट में है कि ये मैटर को बंद किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांटेक्ट में है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, पर मैं हमेशा से यही बोला हूँ कि लोगों को इनसे एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इन लोग अगर आपस में अपने मैटर ख़त्म कर दें तो दोनों के लिए अच्छा होगा। दोनों अपनी अपनी फील्ड में, आदिल की शादी हो गई है, राखी बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी टाइम से दुबई में है, तो अगर ख़त्म कर दें तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। और यस, कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो दुआ करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए और दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो कहीं ना कहीं जो हम आपसे एक गुड न्यूज़ दे ले रहे हैं कि राखी और आदिल का केस खत्म हो सकता है। ये 100% ख़त्म हो सकता है, बल्कि बहुत पहले ख़त्म हो सकता था, पर क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो होते हैं ना बीच में, वो आग लगा कर या चीज़ों को ख़राब करना चाह रहे थे। पर हमारा बोलना ये है कि अगर ख़त्म हो जाए तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। ये किसने आग लगाई है कुछ अगर आप बता सके तो? देखिए, जो लोगों को फालतू की पब्लिसिटी चाहिए या जो लोगों को अनवांटेड अटेंशन चाहिए, वैसे लोग होते हैं, तो वो लोग भी जानते हैं कि कौन ये सब कर रहा है। पर हमारी तरफ से कोशिश है, जो शुभ चिंतक होते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं, तो वो सब लोग मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आदिल करना चाहता है? क्योंकि आदिल पहले चाहते थे कि वो राखी को जेल भेजने का उनका सबसे बड़ा एक बड़ा मकसद था। क्या आपसे उनकी बात हो चुकी है? क्या कहना चाहेंगे? जेल भेजने का ऐसा है कि ऑलरेडी सबको पता है कि राखी के 3-4 बार हाई कोर्ट से रिजेक्शन हो चुका है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। उन्होंने बीमारी का जो रीज़न दिया, उन्होंने जो भी रीज़न दिया, वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर उनको ये चीज़ ख़त्म करनी है तो दोनों के म्यूचुअल टर्म पर ही ख़त्म होगी, नहीं तो उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब तक उनको जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जब तक उनको इस चीज़ से राहत नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, और अभी लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा है सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक म्यूचुअली टर्म पर एग्री करके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आप ही वो एक कड़ी थे जो आदिल को जेल से बाहर निकाला है, नहीं तो आदिल की जिंदगी आज जो इतनी खुशहाल रही है, खुशहाल जिंदगी थी आदिल की, वो आज जो है वो सब आपके वजह से है। इतना तो पूरा मीडिया जानता है कि आपने उसे जेल से बाहर निकाला, पूरा गाइडेंस आपने ही दिया है। तो क्या अब ये आप भी कराना चाहते सुलह, कि आपकी क्या राय है, क्या आप क्या करना चाहते हैं? जब आप किसी को अपना दोस्त बोलते हो या किसी को अपना भाई बोलते हो या जब उसको आप एक फैमिली कंसीडर करते हो, तो मेरा ये मानना है कि आप उनको एक राइट एडवाइस दो, क्योंकि जो राइट एडवाइस देता है वो आपका दोस्त है, और जो दुश्मन होते हैं वो चीज़ों को बिगाड़ के खेलना चाहते हैं। जब आदिल बाहर आया था, जब आदिल मुझे मिला था, तब से लेके आज तक मैंने हमेशा उसको एक प्रोटेक्टिव एडवाइस दी है, जो उसके लिए और उसकी फ्यूचर के लिए, उसकी लाइफ के लिए अच्छी रहे। तो जब ये चीज़ें आई कि राखी के साथ ख़त्म करना है या नहीं, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको एडवाइस किया कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। सी, आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो आपके पर्सनल लेवल पर था, वो मीडिया में आ गया, वो एक इशू बन गया, बड़ा इशू बन गया। पर अब 1 साल 2 साल होने आ गया इस चीज़ों को लेकर, तो अब लोग भी बोर हो गए, मीडिया भी बोर हो गया, तो कहीं ना कहीं एक मीडिया को भी एक शांति मिले, एक उनके फैंस को भी एक खुशी हो जाएगी जब दोनों का इशू ख़त्म हो जाए। क्या राखी फिर से आदिल की ज़िंदगी में आ जाएगी? क्योंकि अभी तक उनकी शादी भी नल एंड वॉइड नहीं हुई है, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आदिल की शादी हो चुकी है, आदिल नहीं, की शादी लाइफ में अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ तो विमेंस तो 4 शादी कर सकते, तो वो तो रह सकती है अगर आप अगर देखे तो। नहीं, पर ऐसा है कि जो उनकी शादी को लेकर जो फर्स्ट शादी थी या नहीं थी, वो चीज़ें तो एक तरफ हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, नहीं तो उस पर बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को साबित कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ख़त्म हो सकती है, तो हम उसमें जाना चाहते हैं जिसके बाद राखी अपनी लाइफ में
खुश रहे, अपने काम में खुश रहे और आदिल अपनी लाइफ में और काम में खुश रहे, वो वापस से जुड़े और वापस से लड़े, और यू नो ऑलरेडी अपनी शादी खराब हुई, अभी दूसरी शादी आदिल ने करके बैठा है, तो वो बहुत इशू, क्योंकि ऐसे भी खबरें आ रही थी कि आदिल की जो दूसरी शादी वो डिवोर्स के तातार में जा सकती है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे मीडिया में पहली खबरें चल रही थी, बल्कि दोनों जन बहुत खुश हैं, दोनों जन बहुत मस्ती खोर हैं, और जब से आदिल की शादी हुई है आदिल मुझे भी कम टाइम दे रहा है, तो वो दोनों जन बहुत खुश है। ये सब एक यू नो प्रेग्नेंट हो गई या प्रेग्नेंट भी अभी आपने खुद बोला, आपने ना देखा तो डिवोर्स हो रहा है। मुझे भी बहुत जनों ने फोन किया, मुझसे भी लोग ने बोले आप सबसे क्लोज हो आप मुझे बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होंगे तो सबसे पहले मुझे मालूम पड़ेगा, उनकी शादी हो रही थी तो दुनिया में सबसे पहले मुझे मालूम पड़ा, उनका निकाह हुआ तो मुझे मालूम, तो अगर प्रेग्नेंट भी होंगे तो मैं जरूर आके बोलूंगा यार मैं चाचा भी बन गया हूँ मामा भी बन गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व, क्योंकि अभी तो कुछ दो तीन दिन बाद 28 तारीख को कोई केस सुनवाई है फिर से लोअर कोर्ट में बेल की हियरिंग। नहीं, उसमें राखी ने जो उनका बेल रिजेक्ट हुआ था उसको रिविजन में डाला है, तो उसकी हियरिंग है, तो हम भी जाएंगे, उनके भी एडवोकेट्स आएंगे, तो देखते क्या है। पर इतना रिजेक्शन के बाद में मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, उनको राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला यू हैव टू सरेंडर, आपको आपके मोबाइल को सरेंडर कराना है और उसके बाद में वो चीज़ों को आगे लेके जाना। लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी सर कि लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, आदिल कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी ऐसा है कि जब एक आरोपी, ठीक है मैं एक लीगल टर्म से समझ रहा हूँ, एक आरोपी जब काफ़ी टाइम से जब पुलिस उसको चाह रही है कि वो आ जाए, उनकी बेल्स रिजेक्ट हो रही है फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, और कंट्री के बाहर भागे हैं, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे, पुलिस के आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो एक रूल होता है कि आप उनके लिए एक लुकआउट नोटिस का जरिया कर सकते हैं कि जिनमें यू नो एयरपोर्ट पर अरेस्ट हो जाए या कोई भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो हो जाए। पर ठीक है, वो एक प्रोसीजर आदिल ने अपनी तरफ से किया है एंड उस चीज़ का फॉलोअप चालू है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 साल हो गए कि राखी कंट्री के बाहर है। ओके, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आदिल, क्योंकि 2 साल से आदिल एक जो चाहते थे कि जेल में जाना राखी के, तो अगर कहीं ना कहीं जो लोग चाहते थे कि इंसाफ हो, इस सुलह से उनके लिए धक्का नहीं बैठेगा? देखिए, जो अच्छे इंसान होते हैं वो कभी भी ये चाहेंगे कि दुश्मन को भी तकलीफ ना हो, ठीक है ना। आप कोई भी रिलीजन में ले लीजिए, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, उसमें ये बोला जाता है कि दुश्मन को भी तकलीफ ना हो, आप ऐसी दुआ करें। तो यू नो आदिल जब नया नया बाहर आया था उसको एक ऐसा था कि यार मैंने अपनी लाइफ के 6 महीने जेल में दिया, राखी ने मेरे साथ गलत करी, जो भी चीज़ हुआ, पर अब एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी और यू नो एक अपना काम उनका आगे चल रहा है, उनकी शादी हो गई है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो मुझे नहीं लगता कि आदिल के दिमाग में ऐसा कुछ है कि मैं वो रिवेंज वाले मोड में रहूं। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि राखी अपनी लाइफ में खुश रहे, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, और वो ये चाहता है कि राखी ने जो गलती करी थी वीडियोस फोटोज को वायरल करके, वो आगे ना करे, और वो आदिल को डिस्कस नहीं करे और आदिल राखी को डिस्कस ना करे। थैंक यू सो मच।